अब हम देखेंगे हैलोजन्स कि हैलोजन्स का हम कैसे मास डिटरमाइन कर सकते हैं इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको डिटरमाइन करने का जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड केरियस मेथड। केरियस मेथड, इसमें क्या होता है, आपने अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, उसको रिएक्ट करा दिया HNO3 से इन प्रेजेंस ऑफ AgNO3, इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो क्या होता है, बाकी कंपाउंड से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम अपना मेन की बात करेंगे। तो क्या बनेगा, कुछ AgX टाइप बन जाएगा, जैसे अगर हमें AgCl, AgBr, AgI टाइप बन जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या बताना है कि हमारा परसेंटेज ऑफ हैलोजन, मतलब जो हमारा हैलोजन प्रेजेंट है वो कितना प्रेजेंट है कंपाउंड में। ये चीज़ हमें क्लियर है कि जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जैसे कोई RX टाइप का कंपाउंड है, तो जितना भी X है, जितना भी हमारा हैलोजन है, वो सारा AgX में ही जा रहा है, ठीक है। तो अगर हमें सिंपली कोई M ग्राम है टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और हमें दे दिया है M1 ग्राम ऑफ AgX, तो अगर हमें इसमें बताना है कि कितना हमारा मास होगा, तो हम सिंपली कर लेंगे। हमें क्या बताए कि 1 मोल ऑफ AgX कंटेन्स 1 मोलिकुलर मास ऑफ AgX, राइट। तो हमें क्या बताना है कि तो इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखते हैं, AgX की बात करें, राइट। तो हमें पता है कि जो भी इसका मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgX, इसमें कितना हैलोजन होगा, कुछ जितना होगा एटॉमिक मास एक्स का, वही बात होगी हमने जो ऊपर इनफैक्ट स्टेटमेंट लिखी थी कि 1 मोल ऑफ AgX अगर हम ले रहे हैं तो उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AG होंगे, 1, क्योंकि हमें दिख रहा है कि 1 मोल अगर है हम AG का लेंगे तो उसमें एक ही है AG है, 2 AG नहीं है, AgX2 टाइप या AG2X नहीं है। तो लिख लेंगे 1 मोल ऑफ AgX हैज 1 मोल ऑफ X, ठीक है, एक ही मोल होगा हमारे X का, ठीक है। तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास कुछ इतने ग्राम ऑफ AgX अगर इसके एटॉमिक मास के कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो M1 ग्राम ऑफ AgX में कितना हमारा ग्राम्स ऑफ X होगा, दैट वुड बी M1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ X बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgX, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि इस कंपाउंड में कितना हमारा हैलोजन कंटेंट है, कितना हमारा X का अमाउंट है। बस अब हमें सिंपली परसेंटेज फॉर्म में लिखना है, तो परसेंटेज ऑफ हैलोजन कितना हो जाएगा, M1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ X बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgX बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड हो गया M इंटू 100, ठीक है। ये हमारा हो गया परसेंटेज ऑफ हैलोजन। तो बेसिकली हमें क्या करना था, अब ये X मत सोचना कि AgX का मास कैसे निकालेंगे, वो हमें क्वेश्चन में दिया होगा कि AgBr है, AgI है, तो आपको उनकी वैल्यूज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो दिस वॉज एक्चुअली अ वेरी सिंपल मेथड, इसमें हमें यही था, हमें पता चल रहा था कि जितना भी हमारा हैलोजन है दैट इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू AgX। तो अगर हम एक बार निकाल लेते हैं कि उसमें कितना X कितना प्रेजेंट है इस कंपाउंड के अंदर, तो हम बता देंगे कि क्योंकि जितना इसमें X प्रेजेंट है उतना ही प्रेजेंट इस कंपाउंड के अंदर होगा वो X, तो हम उसे एज अ परसेंटेज फॉर्म एक्सप्रेस बहुत ईजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे वी आर डन विद हैलोजन्स। अब विल डिस्कस सल्फ़र, कि सल्फ़र का हम कंपाउंड, अगर किसी कंपाउंड में सल्फ़र है तब हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि कितनी सल्फ़र प्रेजेंट है। सल्फ़र इसमें क्या है, वही आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, इसमें आपने फिर HNO3 डाला, ऑक्सीडाइज करा, तो क्या बनेगा हमारा H2SO4, सल्फ़र क्या है ऑक्सीडाइज हो गया H2SO4 में,
फिर आपने इस H2SO4 को लिया और BaCl2 बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराया, तो क्या बन जाएगा? BaSO4 प्लस ट्वाइस HCl, बेरियम सल्फेट बन जाएगा। बेरियम सल्फेट का हमें पता है कि PPT फॉर्म में आ जाता है, तो बेसिकली हमें इसका मास पता चल जाए, अगर इसका मास हमें गिवन होगा और ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमें पता ही है। अब हमें क्या बताना है? परसेंटेज सल्फर। हमें पता है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर थी वो सारी SO4 H2SO4 में बनी। फिर H2SO4 का रिएक्शन जब BaCl2 से हुआ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, तो BaSO4 बना। तो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का सारा सल्फर जो है वो BaSO4 में ही आया है। तो अगर हम बता दें वही बात कि इसमें कितनी सल्फर प्रेजेंट है, मतलब हम कंपाउंड में बता सकते हैं कितनी सल्फर प्रेजेंट है। तो इसकी अगर हम बात करें कि इसका मास होता है बेरियम का 137, तो क्या हो गया? BaSO4 का मास कितना हो गया? 137 प्लस 32 प्लस 64, तो कितना हो गया? 233 ग्राम ऑफ BaSO4 में कितना सल्फर प्रेजेंट है? 32 ग्राम ऑफ सल्फर इज प्रेजेंट, है ना? तो अब हमें कितना पता है? कुछ M1 ग्राम ऑफ BaSO4 में कितना प्रेजेंट होगा? तो कितना हो गया? 32/233 × M1। कोई हमें परसेंटेज फॉर्म बतानी है तो परसेंटेज ऑफ सल्फर कितना हो जाएगा? 32/233 × M1 बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड विच इज़ M × 100। तो ये हमारा परसेंटेज ऑफ सल्फर आ गया। बहुत ईजी मेथड था, इसमें यही देखना था कि हम BaSO4 में कितना सल्फर कंटेंट है, जितना इसमें सल्फर कंटेंट होगा उतना ही हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगा। यही हम अप्रोच तब से करते आ रहे हैं। यही अप्रोच हमने कार्बन के लिए ली थी, यही अप्रोच हमने हाइड्रोजन के लिए ली थी। नाइट्रोजन के लिए थोड़ा डिफरेंट ये हो गया था कि हमें वॉल्यूम में दी थी N2, उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ा था इन ड्यूमास मेथड। और जेलडास में हम H2SO4 के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देख रहे थे, तो हम NH3 में देख रहे थे। फिर हमने बात करी थी हैलोजन्स की, हैलोजन्स में AgX के फॉर्म में प्रेजेंस था, तो वही X का हमने निकाल लिया था। और सिमिलरली अब हमने करा है सल्फर में, सल्फर में हम BaSO4 के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, ठीक है।